कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक मालवाहक गाडीबाट बिना कारण पैसा असुल्ने गरेको खुलेको छ। प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनबाट 200 रुपियाँ लिने गरेको सवारी चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। त्रिनगर ट्राफिक प्रहरी पोस्टबाट खटिने हरेक ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक गाडीबाट 200 रुपियाँ लिने तर त्यसको कुनै रसिद नपाउने उनीहरूको दावी छ। पैसा ना तो कहते हैं लाइसेंस जमा करो, कागज लो, ये कुछ नहीं बताते, खर्चा दो जो सब रेडी होता फिर भी लेते। भारतीय मालवाहक सवारी साधनबाट ट्राफिक प्रहरीले प्रति गाडी त्रिनगर नाकामा 200 र गेटामा 100 रुपियाँ लिने गरेको भारतीय चालकहरूले बताएका छन्। त्रिनगर नाकामा मात्रै नभएर कैलाली जिल्लाका हरेक पोस्टहरूमा ट्राफिकले प्रहरीलाई पैसा नतिर्दासम्म गाडी अगाडि बढ्न नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। पहले खर्चा मांगते उसके बाद में मतलब कहते जाओ, कहते कहीं 200 दो, कहीं 100 दो, कहीं 50 दो। यहाँ से अगर कोहलपुर तक जाओ, ऐसा कहीं जगह ना है जहाँ कोई भी नाके पे पैसा नहीं लेते हो, हर नाके पे पैसे लेते हैं। किस चीज़ के बोलते हैं? खर्चे के दो, पुलिस खर्चे के, पुलिस वाले रुकते हैं, कहते पहले खर्चा दो। कोई नहीं लेता है भंसार पे तो मतलब नहीं। कोई वो पुलिस ट्रैफिक नहीं, पुलिस ट्रैफिक लेता है हर बार, हर चक्कर में लेते हैं पुलिस ट्रैफिक। कहीं 100 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 200 रुपये, आगे कौलपुर से पीछे नाके पे तो 250 रुपये ले लेते, कहीं 300 रुपये लेते, पिछले चक्कर 500 रुपये लेते। ट्राफिक प्रहरीले बिना कारण पैसा असुल्न थालेपछि भारतीय चालकहरू आजित भएका छन्। माथिको आदेश भन्दै ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक गाडीबाट रकम असुल्न थालेपछि उनीहरूले छानबिनको माग गरेका छन्। देखिए सर, हम लोग उधर से आते हैं, कस्टम पे कागज दे देते हैं, वो अपना पास कराते हैं, कस्टम पे हमारा कोई पैसा नहीं लगता है। आगे पुल पे जो पैसा आता है तो वो पार्टी देती है, ठीक है। यहाँ से निकलेंगे तो आगे गेटा गेटी में पैसा लगेगा, 100 रुपया नेपाली लेंगे। फिर अतरिया जाएंगे, अतरिया में 100 रुपया लगता है। अगर महेंद्र नगर रोड जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक वाले होते हैं, वो 100 रुपया 150 रुपया ले लेते हैं। और इधर जाएंगे लमकी को तो उधर भी 3-4 जगह पैसा पड़ जाता है। बस यही पुलिस एंट्री, खाली पुलिस एंट्री का पैसा मांगते हैं कि पुलिस एंट्री है। कैलालीको त्रिनगर नाका भएर प्रतिदिन 25-30 भारतीय मालवाहक गाडी भित्रिने गरेका छन्। गाडीबाट नाकामा रहेका ट्राफिक प्रहरीदेखि गेटा ट्राफिक पोस्ट लगायत हरेक पोस्टले रकम असुल्ने गरेको चालकहरूको गुनासो छ। तर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यसबारे अनभिज्ञ छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वीरेन्द्र जोहारीले यसबारे छानबिन गर्ने बताएका छन्। जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका ट्राफिक प्रहरीले पेसालाई असुली धन्दा बनाउँदा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसकारण त्रिनगर नाकामा खटिने ट्राफिक प्रहरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी भारतीय सवारी साधनबाट अवैध रूपमा रकम असुल्ने परिपाटीलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।